गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस पूनम फ्रॉम सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटराथल, क्लास प्रेप। आज हम सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट है ना। क्या पढ़ेंगे? मात्राएं एवं उनका प्रयोग। पार्ट का नाम क्या है? मात्राएं। ठीक है, ये क्या है बच्चों? स्वर है। क्या है? स्वर। देखो एक बार पढ़ेंगे हम स्वर, ए आ ई बड़ी ई और ऊ। ठीक है, तो ए की तो कोई मात्रा नहीं होती बच्चों। जब व्यंजन के साथ हम स्वर को जोड़कर कुछ लिखते हैं, उन मतलब जो चिन्ह यूज़ करते हैं ना व्यंजन के साथ, उनको मात्राएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्राएं। मतलब व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं ना, उनको मात्राएं बोलते हैं। ठीक है, तो ए की तो कोई मात्रा नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट है आ। तो आ की मात्रा कैसी होती है बच्चों? ये रही, ये है आ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? आ की। तब इसको इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम? ये देखो, ये है व्यंजन के। देखो ए की तो कोई मात्रा नहीं होती ना, तो यहाँ तो सिर्फ ओनली के आएगा। क्या आएगा? के। ठीक है, अब इस के को आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? देखो ये मात्रा, आ की मात्रा सिर्फ एक लाइन ही है ना, स्ट्रेट लाइन। क्या क्या आ गया? आ की मात्रा का। क्या बन गया? का। तो ये तो है आ की मात्रा। नेक्स्ट मात्रा है हमारी छोटी ई। छोटी ई कैसे होती है? आ की मात्रा प्लस उसके ऊपर ये हाफ राउंड। ठीक है, ये है छोटी ई की मात्रा। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम? क्या आ की मात्रा तो लगती है वर्णों के आगे, छोटे की मात्रा लगेगी पीछे, व्यंजन के पीछे। ये हो गया छोटा की। नेक्स्ट है बड़ी ई। बड़ी की मात्रा देखो बच्चों ऐसे होती है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? ये है के, छोटे की मात्रा के के पीछे और बड़ी ई की मात्रा के आगे। ठीक है, ये है आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। आगे हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। ये कौन सा ऊ है बच्चों? छोटा ऊ। तो छोटा ऊ ऐसे होता है। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे हम। ये रहा कै, कै के नीचे क्या बन गया? छोटा ऊ। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा। अब बड़ा ऊ देखेंगे हम लोग। ये है बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है? ऐसे। इसका प्रयोग करेंगे हम, क्या बन गया? बड़ा ऊ। ये है री। क्या है ये? री से ऋषि। ये हो गई री की मात्रा। इसका प्रयोग करेंगे कह के नीचे, क्या बन जाएगा? क्री। कृपा वर्ड पढ़ा ना, कृपा, वृक्ष, ऋण, वैसे। नेक्स्ट है हमारा ए। कौन सा स्वर है? ए। ए की मात्रा कहाँ लगेगी बच्चों? देखो छोटी ई की लगी है कै के पीछे, बड़ी ई की आगे, ऊ की मात्रा लगती है नीचे, वर्णों के नीचे। ए की मात्रा लगेगी ऊपर, कहाँ लगेगी? वर्णों के ऊपर। ठीक है, ये है ए की मात्रा। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? ये है कै, और ये ए की मात्रा लगा देंगे कै के ऊपर, क्या बन गया? के। ये है आई की मात्रा। देखो ए में तो आएगा एक मात्रा, आई में आएगी दो। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? कै के ऊपर दो मात्रा लगा देंगे, क्या क्या बन जाएगा? कै, कैलाश वगैरह वर्ण है ना वैसे। आगे है ओ की मात्रा। कौन सी है? ये कैसे बनेगी बच्चों? आ की मात्रा और ए वाली मात्रा ऊपर, ये बन गई ओ की मात्रा। ये रहा हमारा कै, इसको ओ की मात्रा लग गई, क्या बन गया? को। और ये है हमारी, देखो नीचे स्ट्रेट लाइन
ऊपर आई वाली मात्रा लगा देंगे, क्या बन जाएगी? औ की मात्रा। कौन सी? औ की। देखो क्या क्या आ गया, औ की मात्रा लग के बन गया काऊ। नेक्स्ट स्वर है हमारा अन। अन की मात्रा देखो एकदम आसान है बच्चों, स्टूडेंट सिर्फ एक बिंदी लगानी है। क्या लगानी? छोटी सी बिंदी। ये है हमारी अन की मात्रा, ये रहा कै। इसका प्रयोग कैसे होगा? कै के ऊपर बिंदी लगा देंगे, क्या बन जाएगा? कन। और ये है कौन सी मात्रा? ये अहगी। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? कै के आगे दो छोटी बिंदी लगा देंगे। अन की तो लगेगी कै के ऊपर, अह की लगेगी कै के आगे, तो क्या बन गया? कहा। तो बच्चों क्या पढ़ा हमने आपने आज? मात्राएं और उनका प्रयोग। एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ए, ए की तो कोई मात्रा नहीं होती। आ, आ की मात्रा लग बन जाएगा का। छोटी ई, ये छोटी की मात्रा प्रयोग करके क्या बन गया? छोटी की। बड़ी ई क्या बन गया? की। ऊ कु, छोटा कु। बड़ा कु, क्री, के, कई, को, कऊ, कन और कहा। तो चलो बच्चों आज आपको ये पेज नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 आपको घर पे रीड करना है। थैंक यू।